सब्सक्राइब कीजिए हिंदी टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, MIUI 9 आ गया है और फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि Redmi Note 3 में आप कैसे ऑफिशियल वे से कैसे Redmi Note 3 में कैसे डाउनलोड कर सकते। इसके लिए आपको कोई बूट लोडर अनलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रूट भी नहीं करना पड़ेगा अपने डिवाइस को। लेकिन मैं आपको बहुत ही आसानी से अच्छे लेवल से मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप अपने फ़ोन में, अपने Redmi Note 3 में कैसे अपडेट कर सकते हैं। शायद और भी Redmi के फ़ोन्स में ये वर्क कर ले, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जाना है en.miui.com में, और वहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फिर यहाँ पे आपको अपने डाउनलोड सेक्शन में जाके, नीचे जाके आपको अपने डिवाइस सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अपने अपने डिवाइस को सिलेक्ट कर लीजिए। शायद आपके डिवाइस को MIUI 9 का डेवलपर वर्जन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे Redmi Note 3 में जाना है। यहाँ पे आपको Redmi Note 3 देख रहे हैं कि मैं सिलेक्ट कर लूँगा, तो यहाँ पे आपको Redmi Note 3 को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे मैं Redmi Note 3 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे पूरा इमेज नहीं लोड हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Qualcomm वर्जन, जो ग्लोबल वर्जन है Redmi Note 3 का, और Qualcomm चाइना वर्जन, यहाँ पे स्पेशल एडिशन भी है। तो यहाँ पे आप, मैं आपको नीचे जाएंगे तो आपको एक जो MIUI 9 7.9.7, ये हर हफ्ते चेंज होता है, नया नया वर्जन आता है। जैसे कि डेवलपर प्रीव्यू में है तो वो हर हफ्ते चेंज होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपको इसको उठा के अपने फ़ोन में डाल देना है, जो आपके फ़ोन में होगा डाउनलोड अंडरस्कोर रैम, यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे ओपन करूँगा अपने फ़ोन में उस फाइल को। उस फाइल को आपको अबाउट सेक्शन में जाके ओपन करना है। ये जो फुटेज है वो मेरे Redmi Note 3 की फुटेज है, Redmi Note 3 की MIUI 9 वाली फुटेज है, क्योंकि वो डिलीट हो गई थी कुछ कारणों की वजह से। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, वहाँ पे चूज पैकेट, अभी यहाँ पे आपको वो फाइल मिल जाएगा जहाँ पे भी आपने रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने वो है आपको सिलेक्ट करके डाल देना है। तो जैसे आप वो फाइल डाल देंगे तो यहाँ पे आके वो डिक्रिप्ट होगा। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, ये मेरे Redmi Note 3 की MIUI 8 वाली इमेज है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिक्रिप्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये डिक्रिप्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अभी स्टेबल वर्जन में हूँ, और अब मैं डेवलपर वर्जन में जाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिबूट एंड अप्लाई का ऑप्शन आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाएगा कि MIUI वर्जन, लेकिन आपके पर्सनल डेटा इरेज हो जाएंगे। इससे पहले मैं अपने डेटा का बैकअप कर लूँगा। तो यहाँ पे आपको डेटा का बैकअप आप जैसे करने चाहते हैं वैसे आप कर लीजिए, लेकिन मैं आपको सिंपली बताऊँगा कि आपको जाना है सर्च बार में सेटिंग के। यहाँ पे आपको बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन दिख रहा है, तो हमें उसमें लोकल बैकअप के ऊपर जाना है। बैकअप के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जितने भी एप्लीकेशन है आप सिलेक्ट करना है, कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी मैंने पूरा बैकअप बना लिया है, लेकिन मेरे को अभी कुछ ऐप्स को बैकअप करना है, इसलिए मैं और कर लेता हूँ। और कुछ कारणों की वजह से वो आधे बैकअप नहीं हुए थे, क्योंकि ये जो बैकअप होता है वो आपके SD कार्ड में होता है, और अगर आपके फ़ोन में SD कार्ड नहीं रहता है तो वो आपके इंटरनल स्टोरेज में होता है। फिर उसको आपको उठाकर अपने PC में रख लीजिए, या आप जैसे चाहते हैं वैसे कर लीजिए। तो ये आपके बैकअप अपने SD कार्ड में हो जाएगा, बैकअप के फोल्डर में। तो आप जब आपके फ़ोन में से SD कार्ड तो रहेगा, वो आप डिलीट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, उसको आप जब जाएंगे रिस्टोर में तो आपको रिस्टोर का बैकअप दिखा देगा। तो वैसे ही आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा बैकअप हो रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे कुछ एप्लीकेशन है जो फटाफट बैकअप हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका रेशियो है वो बढ़ रहा है, यहाँ पे बैकअप हो रहा है। और इसको रिस्टोर करने का भी यही तरीका है फटक से, मैं आपको रिस्टोर करना भी बताऊंगा। वीडियो की छोटी सी लास्ट में क्लिप होगी, वो आप देख लेना। और यहाँ पे फटाफट मैं बैकअप कर लेता हूँ। अब मेरे कुछ एप्लीकेशन से वो बैकअप हो रहे हैं। आप पूरे सिस्टम का बैकअप ले सकते हैं। जहाँ पे मैंने फर्स्ट क्लिक करना है, आपको ऊपर का क्लिक करके पूरा बैकअप लेना है। जैसे कि मैंने आधा बैकअप लिया था, आपको पूरा लेना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दोनों बैकअप बना लिया है। यहाँ पे मेरा बैकअप सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको जाना है आपके फाइल मैनेजर में। मैं आपको बता देता हूँ कि डाउनलोड अंडरस्कोर रोम आपको ऊपर का फोल्डर दिख रहा है, लेकिन ये मेरे SD कार्ड में है, लेकिन ये आपके इंटरनल स्टोरेज में मिलेगा जहाँ से आपने डाउनलोड किया होगा। आप फ़ोन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें प्रॉब्लम्स आता है। कभी कभी ये प्रॉब्लम होंगे कि आपको वो डिक्रिप्ट नहीं हो पाएगा और वहाँ पे आप फंस जाएंगे, तो फिर आप मुझे कमेंट करेंगे। तो आपको मैं बताता हूँ कि आप एक ही बार में डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आपको बता रहा है कि MIUI वर्जन सब कुछ आपका डिलीट हो जाएगा, इरेज एंड अपडेट के पर क्लिक कर दीजिए। जैसे हम कर देते हैं, अपना फ़ोन रिबूट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको बता दूँ कि मैक्सिमम आप फुल चार्ज रखिए अपने फ़ोन को, या 50% के ऊपर रखिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं फटाफट अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे MIUI का लोगो आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं MIUI.com दिखा रहा है।
यहाँ पे अपडेटिंग MIUI डोंट रिबूट द डिवाइस यहाँ पे आपको दिखा रहा है। यहाँ पे एंड्रॉयड का लोगो आ चुका है, MIUI.com फिर दिखा रहा है, तो यहाँ पे MIUI 9 भी फटाक से दिखा देगा। तो यहाँ पे आपको अपने डिवाइस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं आपके बटन को क्लिक करना है, इससे आपका बूट लूप में चले जाएगा। MIUI 9 आपको दिखा रहा है, ना मैंने अपने फ़ोन को रूट किया था, नहीं डेवलपर कुछ भी इंस्टॉल किया था, ये ऑफिशियल वे से मैंने इंस्टॉल किया है। यहाँ पे अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम लैंग्वेज मिल जाते हैं, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे आपको इंडिया कंट्री सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे एक आइकॉन दिखा रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। चलिए फुल सेटअप करने के बाद आपको मैं पूरा डिज़ाइन दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको देख सकते हो कि मैंने पूरा एक हफ्ता यूज़ किया, मुझे कोई डेवलपर वर्जन में प्रीव्यू में नहीं मिला, लेकिन आप फीडबैक में जाकर सब बता सकते हैं कि इशू क्या है, सजेशन दे सकते हैं और ऐड इमेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो जो MIUI 9 के अंदर ऑलरेडी एक मुझे स्क्रीन रिकॉर्डर भी मिला है। इसके अंदर मुझे बहुत सारे फीचर नहीं मिले, लेकिन आशा करता हूँ कि मुझे मिल जाएंगे। यहाँ पे मुझे मार्शमेलो ही मिला हुआ है, नूकट नहीं मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपके लिए बस ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप ऑफिशियल वे से कैसे आप MIUI 9 इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसे आप फटक से इंस्टॉल भी कर लेंगे, जिससे आपको कोई भी डेवलपर वर्जन में ही आप रहकर इसमें आपको आगे भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। इसमें आपको बहुत सारी फीचर्स तो मिल ही रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अगर 7 पॉइंट नोगट होता तो ऊपर एक अलग सा बार होता है। यहाँ पे आप रिकॉर्डर भी मेरा देख सकते हैं कि कुछ फीचर्स मिले हैं, और यहाँ पे हर हफ्ते जब ये अपडेट होगा तो मैक्सिमम मिल जाएंगे। यहाँ पे MI का ऐप्स भी स्टोर मिला है, लेकिन प्ले स्टोर ओके है अपना, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी चेंज हो गया है, बहुत सारे अपडेट्स हुए हैं, और MIUI 9 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अगर आपको पहले का दिखाऊं तो ये मुझे जब मैंने सेटअप नहीं किया था तब मिले थे। यहाँ पे आपको लोकल बैकअप कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने पूरा पहले बैकअप लिया था और मेरे SD कार्ड में स्टोरेज नहीं था, तो इसलिए वो बैकअप मतलब जितना था उतना ही हो गया। तो फिर मैंने SD कार्ड को खाली किया, फिर मैंने दो बार बैकअप लिए। फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिस्टोर हो रहा है, मैक्सिमम 1 घंटे से आधे घंटे से मेरा बैकअप हुआ, तो कम से कम रिस्टोर में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मेरी जितनी कॉल हिस्ट्री, मैसेजिंग, SMS, सेटिंग जितने भी है सब हो जाएंगे। और तो अगर आपने वाईफाई का पासवर्ड भी डाला होगा तो वो भी आपका वैसा का वैसा ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप बताइए मुझे कि ये वीडियो आपको कैसा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले और ऐसे एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।